राइट द क्रिएट्स एंड प्लेसेस ऑफ कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। वो क्या बोल रहा है, आपको कलर डिजिट मतलब जो भी आपको कलर में दे रखा है, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है या कलर में जो डिजिट दी गई है, उसको आपको उसके क्रिएट्स और प्लेस बताना है। क्रिएट्स और प्लेस क्या बताना है सब, क्रिएट्स एंड प्लेस। हमें जो भी कलर डिजिट में जो नंबर दे रखा है उसके हमें क्रिएट्स और प्लेस बताने। कैसे बताएंगे क्रिएट्स और प्लेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जीरो के, यहाँ पे जैसे जीरो के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पे किसके एट के नीचे अंडरलाइन है, तो सबसे पहले कौन सा पीरियड में आता है, कि वन से पीरियड में आता है, टेन से पीरियड में आता है, हंड्रेड के पीरियड में आता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख कौन से पीरियड में आता है। देखते हैं इसको हमें कौन से पीरियड में आता है, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड का लिखा हुआ है पर अंडरलाइन कौन से पीरियड के नीचे, वन के, तो इसको क्या लिखेंगे, वन पीरियड, और ये कौन से फॉर्म में है, वन, तो ये बनेगा वन पीरियड और वन। वही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में किसके नीचे अंडरलाइन है, एट के नीचे, इसको पढ़ते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेग और टेन लेग, ये किस किस में आया, टेन लेग, पर टेन लेग कौन से पीरियड में आता है, लेग के पीरियड में आता है टेन लेग, इसको पहले लिखेंगे लेग पीरियड्स, और क्या कौन से प्लेस में है, टेन लेग, इसका मतलब ये होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कि वो कौन से पीरियड में आ रहा है, वंस के पीरियड में आ रहा है, टेंस के पीरियड में आ रहा है, हंड्रेड के पीरियड्स में आ रहा है, थाउजेंड के पीरियड्स में, जैसे ये हमारा था टेन लेग, तो ये टेन लेग तो उसकी क्या होगी, प्लेस हो गई, टेन लेग की प्लेस पे है, पर टेन लेग कौन से पीरियड में आता है, तो लेग के पीरियड में आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेग पीरियड्स और टेन लेग। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, वो क्या बोल रहा है, सेपरेट द पीरियड्स बाय कॉमास एंड डिवाइड द नंबर। वो ये बोल रहा है आपको ये नंबर कुछ गिवन है, उसको आपको कॉमा लगा के सेपरेट करना है। कॉमा लगा के सेपरेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगा के किसी चीज को सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास में एट फोर फाइव नाइन टू, ये हमारे पास में गिवन होता है, हमें पता होता है वंस टेंस हंड्रेड, ये तीनों एक पे होता है, थाउजेंड और टेन थाउजेंड, ये एक पे होता है, लेग और टेन लेग, ये एक पे होता है, तो इसमें क्या होगा कि यह तीन तीन के फॉर्म में और यहाँ दो दो के फॉर्म में कोमा लगता है, जैसे वन टू थ्री कोमा वन टू कोमा फिर फोर फाइव फिर एट सेवन कोमा, मतलब वन टू थ्री कोमा वन टू कोमा वन टू कोमा, मतलब आगे के तीन डिजिट के बाद हर दो दो डिजिट के बाद पे कोमा लगेगा, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड तीनों का एक पेयर होता है, थाउजेंड और टेन थाउजेंड का एक पेयर होता है, लेग और टेन लेग का एक पेयर होता है, तो वही हमारा थर्ड, वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर, कि आपको कुछ डिजिट देती है उसको आपको कोमास करके सेपरेट करना है, तो सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड की बार है, तो पहले इसको पढ़ो वन एट जीरो फोर नाइन, वन एट जीरो फोर नाइन हमने वापिस लिख दिया, हमने वापिस इसलिए लिखा, इसी के अंदर कोमा नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर हाईलाइट हुआ है कि डिवाइड द नंबर, आपको फिर से उसको लिखना है, तो वन टू थ्री, तो वन टू थ्री कोमा देन वन टू, और इसके बाद कोई डिजिट नहीं, यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। वही सेकेंड बोल रहा है नाइन एट वन जीरो जीरो सिक्स, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री के बाद कोमा फिर वन टू के बाद कोमा, अगर इसके आगे फिर डिजिट लिखी होती फिर दो डिजिट के बाद कोमा आता, कोमा में यह लगेगा थ्री से वन टेन हंड्रेड के बाद कोमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कोमा, लेग और टेन लेग के बाद कोमा, ये होता है कोमा वाला क्वेश्चन कंप्लीट, और इसको फिर से रीराइट इससे लिखेंगे, क्वेश्चन में मैं मेंशन कर रखा है आपको फिर से उसको रीराइट करना है। फिर से बता रही हूँ मैं, तीन डिजिट के बाद कोमा, देन टू डिजिट के बाद फिर कोमा, इसमें भी वन टू थ्री डिजिट के बाद कोमा और वन टू डिजिट के बाद कोमा, याद रखना वन टेन हंड्रेड के बाद कोमा लगता है, थाउजेंड और टेन थाउजेंड के बाद कोमा लगता है, लेग और टेन लेग के बाद कोमा लगता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा, और फिर कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोमा नहीं लगाना, आपको उसके पास में रीराइट करके ही कोमा लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, राइट द राइट नेम्स ऑफ द प्लेस इन थाउजेंड पीरियड, आपको ये बताना है थाउजेंड पीरियड